हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उड़ान, मैं आज मांगा एक्सप्लेन करूंगा सोलन टू का। ये मांगा बहुत ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है, तो चलिए मांगा शुरू करते हैं। मांगा शुरू होती है उसी सिम से जिस सिम से पिछली बार खत्म हुआ था। पिछली बार हम देखा था एक बीस्ट आया था जिसके पास एक मिलियन ईयर की कल्टिवेशन वाला बेस है। एक मिलियन ईयर की स्पीड बीस्ट सुन के हुआ होगा तो दुनिया ही हिल जाता है। वह बोलता है, क्या एक मिलियन ईयर का स्पीड बीस्ट? क्या इस दुनिया में एक मिलियन ईयर का स्पीड बीस्ट एग्जिस्ट करता है? मैं जितना जानता हूँ, गोल्ड कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पीड बीस्ट एक 100,000 ईयर की स्पीड बीस्ट होता है। वो बीस्ट बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलता है, क्या तुम सरप्राइज हो एक मिलियन ईयर का स्पीड बीस्ट नाम सुन के? उसके बाद वह पूछता है, डियर डिम ब्रदर, तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? उसके बाद वो बीस्ट बोलता है, मैं अब जो तुम्हें बोलूँगा तुम उसे केयरफुल सुनना। मैं तुम्हारा स्पीड रिंग बनना चाहता हूँ। गोले कॉन्टिनेंट में सबसे पहले मेंटल एट्रीब्यूट वाला स्पीड रिंग। ये सब सुन के हुआ को तो बहुत ज़्यादा ही शौक लगता है। तो दोस्तों, मैं आपसे वो स्पीड बीस्ट को ग्रेजिम बुलाऊंगा। वो बीस्ट बोल रहा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। वो बीस्ट का बात सुन के हुआ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। वो बोलता है, इंटेलिजेंट स्पीड बीस्ट, तुम आखिर क्या बोल रहे हो? वो बीस्ट बोलता है, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। वह बोलता है, क्या मुझे एडमायर करते हो? पर क्यों? वो बीस्ट बोलता है, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ इसीलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लकीस्ट पर्सन हो कि तुम मुझसे मिले हो। उसके बाद वो बीस्ट एक स्पेल बोलता है। ये सब देख के वह बहुत ज़्यादा शौक होकर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। उसके बाद वो बीस्ट खुद का सिर वाओ के सिर में लगा के एक स्पेल बोलता है और उस प्लेस में बहुत ज़्यादा वाइट कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो सीन शिफ्ट होती है जिंगडो फॉरेस्ट की ओर, जहाँ हमें दिखाया जाता है जिंगडो फॉरेस्ट के हर तरफ एक वाइट कलर की एनर्जी स्प्रेड हो चुकी थी। उसके बाद हमें बेबी और जियाओ के दिखाई देता है, जिन दोनों को भी पता चल जाता है इस वाइट कलर की एनर्जी के बारे में। वो बीस्ट बोलता है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, सच में वो बहुत ज़्यादा वीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो बीस्ट मन में सोचता है, वो सब भूल जाओ, मैं उसे खुद के गाइडेंस में एक स्ट्रॉन्ग स्पीड मास्टर बनाऊंगा। मैं आखिर फाइनली एक ह्यूमन को पा गया जो कि मेंटल एटीट्यूड वाला है। मेरे अंडर टीचिंग में ये बच्चा बहुत बड़ा स्पीड मास्टर बना। वो बीस्ट बोलता है, वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर वो क्या है? तो दोस्तों, हमें दिखाई देता है एक एनर्जी को जिसमें बहुत ज़्यादा थंडर रिलीज हो रही थी और वो दिखने में बहुत ज़्यादा यूनिक था। वो बीस्ट बोलता है, मैं एक मिलियन ईयर कल्टिवेशन वाला स्पीड बीस्ट हूँ, आखिर मुझे क्यों उस एनर्जी से डर लगता है? तो दोस्तों, हमें दिखाई देता है वो एनर्जी को जो वाइट कलर में एक राउंड शेप में होता है। वो बीस्ट बोलता है, वो मेरा प्लेस में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दूर है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलता है, मैं यहाँ हूँ, आखिर कौन है जो इसी बच्चे को तकलीफ पहुँचाना चाहता है? मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा एक मिलियन ईयर का कल्टीवेशन पावर क्या होता है। वो बीस्ट एक आटा उस वाइट कलर के सोल में करता है। उसके बाद हमें दिखाई देता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट को। उस ब्लास्ट में वो वाइट कलर की सोल नहीं पर कि वो बीस्ट बहुत ज़्यादा दूर जाके पड़ता है। वो बोलता है, वो इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो वाइट सोल। तो दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज होंगे आखिर वो बीस्ट क्यों खुद का सैक्रिफाइस करके हुआ का स्पीड रिंग बनना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, वो स्पीड बीस्ट एक मेंटल एट्रीब्यूट वाला बीस्ट है। इसका मतलब वो अगर खुद का सैक्रिफाइस करके हुआ का स्पीड रिंग भी बने तो वो उसका कॉन्शियस माइंड में जिंदा रहेगा। डेड्रीम बोलता है, आखिरकार मैं इतने दिन इंतज़ार करने के बाद मेरा एट्रीब्यूट वाला एक ह्यूमन पाया है, मैं अब फ्री हूँ। वो इडियट जो मुझे एक फूड की तरह खाना चाहते थे, मैं उनसे बदला लूँगा। उसके बाद हमें वाओ दिखाई देता है, वाओ के बॉडी के आसपास एक येलो कलर की एनर्जी घूम रही थी। तो सीन शिफ्ट होता है बेबी और जाओ के ओर। वो दोनों वो एनर्जी को डायरेक्शन पता करके हुआ के पास चले आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा।